साईयो। सुनिए सुनिए तो सुबलमन जी का लड़का है ना? हाँ, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? राम राम काका, मैं सावरी को राम रक्षा का पाठ सिखाने आया हूँ। और आप देखना, राम नवमी के दिन ना बस्ती का नाम रोशन करेगी ये। सुनिए, आज पहली बार लगा है शिरडी में हम बस्ती वालों के लिए सच में चीजें बदल रही है। आज तक तो सिर्फ साई और उनके भक्त ही हमें इंसान समझते थे, अब और लोग भी। ये सब दिखावा है, इन सारी चीजों से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। ये बड़े लोग खुद को अच्छा दिखाने के लिए हमारे घरों में आते हैं और फिर हमारी उम्मीदें बढ़ाकर ये लोग गायब हो जाते हैं। इनमें से तुम्हारा घर कौन सा है? नमस्ते काकी। कौन है ये? हाय, ये महेश जी है, मुझे राम रक्षा का पाठ सिखाना चाहते हैं। या लेकिन आप यहाँ कैसे आ सकते हैं? हम लोगों के घर आना आपको शोभा नहीं देता। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही हैं काकी, लेकिन क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी का नाम रोशन हो? ईश्वर ने उसे जो मान दिया है वो उस पर खरी उतरे, लोग उसे किसी से कम ना समझे। अगर आप सब खुद पहले अपने मन से ये जात पात ऊंच नीच नहीं निकालेंगे तो कुछ भी कैसे बदलेगा? जब तक आप अपने आप को औरों के बराबर नहीं समझेंगे तब वो भी आपको अपने बराबर का नहीं समझेंगे, और फिर उन्हें दोष देने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप मुझे अपने बराबर का नहीं समझेंगे तो फिर ये राम रक्षा पाठ वगैरह ये सिखाने का कोई फायदा नहीं। मैं जाता हूं। सुमन, रोक ले इन्हें, इन बड़े लोगों का कोई भरोसा नहीं। इन्हें हमारी बात बुरी लग गई तो ये हम पे ही भारी पड़ जाएंगे। रोक ले इन्हें। सुनिए सुनिए सुनिए, आप मुझे यही सिखा सकते हैं। अंदर आइए साहब। क्या काकी, मैं आपके बेटे जैसा हूं ना, इज्जत तो मुझे आपको देनी चाहिए, इसलिए मुझे साहब मत कहिए। मेरा नाम महेश है, महेश ही बुलाइए। आओ महेश, आओ। सरकार, 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 एक जरूरी बात बतानी है। बोलो।
कुलकर्णी सरकार, आप इन दोनों से बाहर ही बात करेंगे तो अच्छा होगा। चावड़ी में सिर्फ सरकारी काम होगा। दीजिए। चलो। बोलो। सरकार, वो महेश है ना, उसको हमने बस्ती की ओर जाते देखा है, और वो भी उस सावरी के साथ। क्यों पता जी? बलवंत जी को बता दीजिए। हरिओम हरिओम। उससे क्या होगा, वो तो पहले से जात पात में विश्वास नहीं रखता। बाप ने उस सावरी को राम रक्षा के पाठ के लिए अनुमति दे दी, और ये लड़का अलग से बढ़ावा दे रहा है। तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा, और जो होगा उसे हम करेंगे। वर्षों से चली आ रही प्रथाओं को मैं बदलने नहीं दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी क्रूर क्यों ना होना पड़े। हरिओम। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। राम नाम वरानने। राम नाम वरानने। वाह सावरी, तू तो बहुत अच्छा बोल रही है। बस इतना ही है, चलो एक बार और करते हैं। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि ही श्री सीता राम चंद्रो देवता। बोलो। चिंता मत करो, बोलो। बोल ना बेटी, अच्छा तो बोल रही थी। बोलो। अस्य श्री घबराओ मत, देखो तुम कर सकती हो, कोशिश करो। बोलो। अस्य श्री रा सावरी, सावरी रुकना नहीं है, कोशिश करो, बोलो, रुको मत। बोलो। बोल। शस्य नहीं, अस्य। 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 तुम डर क्यों रही हो? देखो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ना ये डर निकाल दो, और फिर से कोशिश करो। शस्य नहीं, अस्य सावरी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैंने आपसे पहले ही कहा था, नहीं हो पाएगा मुझसे। तुम ऐसे करोगी तो कैसे होगा, तुम कोशिश ही नहीं कर रही हो।
से क्या होगा साबरी? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा। देखिए, आप बहुत भले इंसान हैं, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, मुझसे नहीं होगा। आपने, साई ने जो मुझे कहा है, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। बचपन से जिस भाषा में बोल रही हूँ, उसमें हकलाती हूँ। फिर संस्कृत के श्लोक नहीं, मैं ना आपका अपमान करना चाहती हूँ, ना साई की बात टालना चाहती हूँ, लेकिन लेकिन मेरे दायरे तय है, सीमाएं तय है, और मैं उन्हें पार करने की कोशिश भी करूं तो नहीं कर पाऊंगी। अब अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आपने मेरे लिए जो किया है, मैं उसके हमेशा आभारी रहूंगी। लेकिन अब और कोशिश मत कीजिए। आप कृपया जाइए यहां से। मैंने कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। मैं कल ही जाकर पाठ करने से मना कर दूंगी, और अब मुझ पर जोर मत डालिए, विनती करती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें बहाने ही बनाने हैं ना साबरी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं भी छोड़ दूंगा ये सब। काकी, क्या ये वही महेश बाबू है जिसके बारे में आपने अभी बताया था? हाँ बेटी, लेकिन ये इतना जल्दी क्यों चले गए? लगता है सावरी सीख नहीं पाए। ये तो होना ही था, महेश बाबू कुछ ज्यादा ही खुले विचार के हैं। पर गांव में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये खटकेगा। साई जो कहते हैं ना, जब खुद हम अपना मोल नहीं समझेंगे तो और कोई क्या समझेगा। सही कहते हैं, पहले बार किसी इतने बड़े आदमी ने हमें अपने जैसा समझा था, इतनी इज्जत दी। तुम्हें तो उनकी इस पहल की तारीफ करनी चाहिए, और तुम ऐसा कह रही हो कि सावरी सीख नहीं पाई। राम जी ने एक मौका दिया था हम बस्ती वालों को अपना मान बढ़ाने का, वो भी चला गया। पराजित होकर वापस जा रहे हो? नहीं, पराजित मैं नहीं हुआ, सावरी ने हार मान ली। आओ मेरे साथ।
ना सरकार, आपने तो कहा था कि उन बस्ती वालों को आप कुछ करेंगे, लेकिन यहां पर तो उनसे पूजा कराई जा रही है। सरकार आप सुन रहे हैं ना, यहां हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ होते देख आप मौन कैसे रह सकते हैं? साहेब, साहेब मैं कोपर गांव से आया हूं, मैं राम जी की मूर्ति ले आया हूं जो आपने मंगवाई। धीरे से बोलना, कोई सुन ना ले। साईं की बनाई मूर्ति को लोगों ने सिर्फ एक ही बार देखा है, उन्हें शक भी नहीं होगा। ये मूर्ति ये नई मूर्ति आपने क्यों मंगवाई बलवन जी? उस फकीर ने जो मूर्ति बनाई थी वो आपको पसंद नहीं थी क्या? नहीं नहीं सरकार, कैसी बात कर रहे हैं आप, ये वही तो मूर्ति है जो साईं ने बनाई थी। मैंने इस आदमी से कहा था कि इस मूर्ति को आपके घर से यहां ले आएं और कोपर गांव ले जाएं, इसकी साज सज्जा कराने के लिए, ताकि उत्सव में ये मूर्ति अति सुंदर दिखे। देखो इसे ले जाओ और इसको अच्छे से सजाओ, सोने के आभूषण पहनाओ, मोतियों की मालाएं पहनाओ, रंग करो इसे अच्छे से, और सुनो पैसों की चिंता बिल्कुल नहीं करना। बस रामनवमी उत्सव से पहले ये मूर्ति यहाँ वापस आ जानी चाहिए। पर सर, देखो अभी मेरे पास समय नहीं है। ये पैसा लो, ये लो मूर्ति, और काम शुरू करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बलवंत कुछ छुपा रहा है? मुझे संदेह ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये वो मूर्ति नहीं। हाँ, मिलती जुलती अवश्य है, लेकिन ऐसा क्यों किया होगा बलवंत ने? कहीं ऐसा तो नहीं कि बलवंत को ये बात अच्छी ना लगी हो कि मूर्ति बस्ती की मिट्टी से बनी थी? एक रास्ता है सच्चाई पता करने का। हरिओम हरिओम बलवंत जी, आपका बेटा तो लोगों की मदद करने में आपसे भी आगे निकल गया। आपने उस सावरी को राम रक्षा का पाठ करने का मौका दिया, लेकिन आपका बेटा तो बस्ती में उसके घर पहुंच गया। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, महेश तो सबकी मदद करता है। हाँ, लेकिन आप इतने चिंतित क्यों हैं बलवंत जी? वो इसलिए सरकार, एक क्षण के लिए मैंने ये सोच लिया कि कहीं गांव वालों को तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे महेश जो करे वो उसकी सोच है, उसका निर्णय है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। मैं बस एक बात जानता हूं, मैंने अपने बेटे को जो शिक्षा दी है वो उस पर खरा उतरेगा। चलिए सरकार, अब मुझे अनुमति दीजिए, बहुत सारा काम बाकी है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये व्यक्ति जैसे दिखता है वैसा है नहीं। कहां ले जा रहे हैं आप साईं? खुद देख लोगे। महेश, तुम तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत गए थे ना? जी साईं। तो वहां जाकर एकदम से अंग्रेजी बोलने लग गए होगे? नहीं साईं, शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई मुझे। मैंने बंबई के स्कूल में सीखा तो था बहुत कुछ, पर उतना बोलने की आदत नहीं थी, तो डर लगता था कि कोई मजाक ना बना दे। कई बार बाबा को पत्र लिखे कि बाबा आप मुझे वापस बुला लीजिए। फिर क्या हुआ? फिर मुझे सर मैथ्यू मिले।
मैथ्यू सर हमारे स्कूल में नए नए पढ़ाने आए थे और उन्होंने बहुत सब्र रखा मेरे साथ। मतलब जो स्कूल मुझे अनजान लगता था ना, वो मैथ्यू सर के कारण मुझे अच्छा लगने लगा, अपना लगने लगा। और मुझे अच्छी तरह अंग्रेजी बोलना भी मैथ्यू सर ने ही सिखाया। फिर जब मैं एक बार बोलना सीख गया, बाकी चीजें भी आसान हो गई। जानते हो महेश, जब मैंने पहली बार बांसुरी हाथ में पकड़ी थी, तब मुझे लगा था कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे गुरु ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मेरे हार मानने पर भी उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हम दोनों भाग्यशाली थे कि हमारे गुरुओं ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। वो देखो, महेश, हमारे गुरुओं ने तो हमारा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन शायद इसका गुरु उतना धैर्यवान नहीं है। गुरु बनना आसान है, गुरु की जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं है। कड़ी कड़ी से घर बनता है, जोड़ने का काम गुरु का है। चलो हाथ धो लो, पाठ अधूरा रह गया है, पूरा करना है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मैंने कहा ना, हाथ धो, चलो जल्दी करो। तुमने हार मानी होगी, मैंने नहीं। आओ, लेकिन मैं तो हकलाती हूँ। सावरी, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम रुक रुक के बोलती हो ना, तो यही तो ठीक करना है। अब इसे छोड़ देंगे तो ये कैसे ठीक होगा? और एक बात कान खोलकर सुन लो, रामनवमी के दिन पाठ तुम ही करोगी। अगर मना किया ना, तो कान पकड़कर उठक बैठक करवाऊंगा। चलो